जो लोग जिनके पास 20-20 50-50 लाख के घर हैं उनके पास मौजूद है उनके दफा 370 से हमें क्या मिला, कोई भाग पीछे कश्मीर। मेरे भाइयों, अगर आपने सच में किए इस वक्त की रूलिंग पार्टी है, बल्कि हमने इलेक्शन लड़े तो मैं भी उसी इलेक्शन में ज्वाइन किया है इस पार्टी में। हो सकता है जिसने आज ज्वाइन किया है अगर वो अच्छा काम करता है, मुझे लगता है कि कल हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, क्योंकि यह खानदानी राज नहीं है। कल आप लोगों में जितनी कठिनाइयां और आपके रास्ते में जितनी भी परेशानियां, भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस का ही नाम भारतीय जनता पार्टी। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय एक साजिश है, जिस साजिश के तहत इस चीज को किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। ऐसा कुछ लोग जो भारत को इतना मजबूत नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग इस प्रकार की वो इंटरनेशनल साजिशें इस प्रकार की करते हैं। दिखता हुआ ये नहीं दिख रहा है, इसलिए इस प्रकार की साजिशें वो कर रही है। आज भारत केवल हर चीज में, साइंस में भारत आज सबसे आगे, टेक्नोलॉजी में भारत सबसे आगे है। आज जो वेपन्स या जो सुरक्षा के सिस्टम में आज भारत सबसे आगे है, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे जम्मू कश्मीर में कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक डिवाइस लगाई है, जो डिवाइस आपको हर 2 घंटे के बाद बताएगी कि आपके यहाँ मौसम का कैसा हाल रहेगा। इतना हिंदुस्तान ने एडवांस किया है, इतना हिंदुस्तान ने तरक्की की है। इन लोगों को, ये जो इस प्रकार की ताकतें हैं, मैं उन ताकतों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उन कंट्रीज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उन कंट्रीज ने एक ये बहुत सोची समझी चाल करके, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का कद जो है, नरेंद्र मोदी जी की सोच जो है, वो सोच कभी छोटी नहीं हो सकती है, वो सोच जैसी है।